पहाड़ों की कसम। इस खूबसूरत तरीन कुमरात वैली के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। इसको जो है वो प्रमोट किया था इमरान खान ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा तीसरा व्लॉग है, ट्रैवलिंग व्लॉग, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुमरात वैली के अंदर। और ये देखें ज़रा, ये हमारा सुबह का जो है वो नज़ारा है। दरिया जो है वो देखें कितना ज़्यादा साफ है। इस साइड के ऊपर जो है वो देखें कितना कमाल का व्यू है। और ये कैंपिंग थी, लेकिन हम लोगों ने कैंपिंग नहीं की, हम लोग जो है वो हट्स के अंदर जो है वो रहे हैं। इन मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए हम लोग जो इस खूबसूरत तरीन कुमरात वैली के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, और रास्ते में जो है तकरीबन हमें 5 बार जो है वो पानी को क्रॉस करना पड़ा, जिसमें 2 बार जो है वो इतना ज़्यादा पानी था कि आधा टायर जो है वो बाइक का उसके अंदर जो है वो चला गया था। मौसम को इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था रात को, लेकिन हाँ कि हमें नींद बड़ी चस्की आई क्योंकि रास्ते में इतने ज़्यादा एडवेंचर्स थे। इससे ये वैली इसलिए भी फेमस है कि चारों तरफ इसके पहाड़ हैं, दरख्त हैं, और मिट में जो है वो मैदान है। सूरज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, अभी तक तो हमें गर्मी लगना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने रात को जो है वो बॉन फायर किया है। दोबारा पैकिंग का सिलसिला मरला शुरू हो गया है, उन चीज़ों को जब दोबारा पैक करते हैं। हमें तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है वो लग जाता है अपने बैग्स को जो है वो बांधते बांधते, इसीलिए ज़्यादातर ने जब अपने बैग ऐसे छोड़ दिए थे। सो फाइनली वी रीच्ड एट द आबशार, और आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो बाइकों के ऊपर जो है वो आ चुके हुए हैं। ये देखें नेचुरली जो है वो बोतलों को फेस किया जा रहा है। तो ये देखें ज़रा, आ गए सारे बाइकों पे हम लोग जो ऊपर आ गए। यही मेन पॉइंट है कुमरात वैली का। इस व्यू को जो है वो देखने के लिए इतनी दूर से हम लोग जब यहाँ पे आए। सो दिस इज़ द आबशार, जिसको देखने के लिए कम से कम हमें 2 से 2.5 घंटे जो है वो लगे हैं। कल हम लोगों ने जो है वो स्टे किया था, और अब हम लोगों ने जो है वो आगे का सफर शुरू किया है। डिफ़िकल्ट पाथ लेट्स द ब्यूटीफुल जर्नी, मुश्किल रास्तों से होते हुए हम लोग जो है वो इस आबशार पे पहुँचे हैं। इस आबशार की जो है वो खूबसूरती ये है कि इसको जो है वो प्रमोट किया था इमरान खान ने। इमरान खान यहाँ से जब वो हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे, तो ये पॉइंट जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो वो टूरिस्ट को यहाँ के लिए जो है वो ओपन किया गया। तो बड़ी सेटिस्फाई और अट्रैक्टिव प्लेस है, और आबशार के पास बैठ के आपको जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी नेचुरल ब्यूटी के अंदर जो है वो आपको वैसे अच्छा लगता है। चारों तरफ जो है वो दरख्त हैं, और ब्रिज के अंदर जो ये आबशार है, जिसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा करती है। तो आबशार देखने के बाद अब हम लोगों की जो है वो वापसी हो रही है, और जिस तरह का ये पतीला रास्ता है, यहाँ पर जो है वो सिर्फ 4x4 ही जो है वो कामयाब है। बाकी दूसरी गाड़ी लेके आएंगे तो वो अपनी मौत को खुद दावत देंगे। बाइक का ये है कि एडवेंचर हो जाता है, डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन साथ साथ जो है वो फिर इंजॉय भी होता रहता है। तो आबशार पर तकरीबन हम लोग जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट रुके हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फोटोशूट किया है। इन्हीं मुश्किल रास्तों से होते हुए हम लोग जब वो आगे कुमरात वैली की तरफ गए थे, और दोबारा जो है वो ये इन्हीं एडवेंचर से होते हुए हमें जो है वो वापस जब वो बाइक्स को लेके आना है। आपको जो मैं एक बाइक दिखाता हूँ, ये अभी क्योंकि गाड़ी गुजर के जा रही है तो बाइकें जो है वो रुकी हुई हैं वहाँ पे। तो ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे 4x4 जो है वो कामयाब है, लेकिन बाइक्स का जो है ना यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल ही है। ये बाइक जो है वो देखें पानी में से गुजरने के लिए तैयार है। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर आके आधा टायर आप देखेंगे जो है ना पानी के अंदर चले जाता है। ये सही ले कर आ गया है, इसको जो है ना बेहतरीन तरीके से लेके आ गया। अब पानी भी कम है क्योंकि जो है ना बारिश जो है ना कल हुई थी, इसकी वजह से जो है ना पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ था। चले आओ पहाड़ों की कसम,
ये देखें जरा, ये इस साइड पे जो है वो सारे पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, दरख्त हैं, और मिड के अंदर जो है ये दरिया जो है वो बह रहा है। इसका पानी जो है वो बहुत ज्यादा ब्लू है और शफाफ पानी जो है वो है। फिर आगे का सफर दोबारा शुरू करते हैं। इस वक्त थल के मेन बाजार में हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब हम लोग जो है वो नाश्ता करेंगे। वापस आते हुए हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना जाते हुए हमें जो है वो लगा था। बाइक पे ज़्यादातर जो है वो आपका यही, आप सफ़र में ही रहते हैं, रात को आपने जो है वो सिर्फ सोना होता है, तो हमारी कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग जो है वो कवर कर लें। यहाँ से जो है वो हम लोग नाश्ता करेंगे। चप्पल कबाब जो है वो मैंने लगवाया, बाकी लोगों ने जो है तकरीबन अंडे लगवा लिए। मैंने कहा यार यहाँ पर भी आगे अंडे ही खाने हैं तो फिर फ़ायदा क्या। तो यहाँ पर पहाड़ी इलाके में आके आपको इनकी जो है वो डिशें होती हैं जो कि इनको अच्छी बनानी आती है, वही खानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा गंभीर ये है कि यहाँ पर जो है वो सिग्नल जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो जैज के आ रहे हैं। यहाँ पर घंटा हो गया हम लोग जो है वो वेट करने लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो धूप निकली हुई है, इस वजह से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर एक हट मिला हमें, वहाँ पर आके बैठ गए हैं ताकि जो है ना ये साथ साथ जो है वो रिवर चल रहा है ताकि इसकी जो ठंडी हवा आती है। यहाँ पे आए हैं तो फिर भी मॉडरेट है। एक तो ये है कि ये कवर है और दरिया की आवाज़ है वो साथ साथ आ रही है। पहले जो है वो टैंकी बाइक की फुल करवाई थी, वो मंगोड़ा से करवाई थी, और उसके बाद हम लोग कलाम गए। कलाम के बाद फिर हम लोग जो है वो आगे कुमरात वैली गए, और अब हम लोग जो है वो दील की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो अब सूरत हाल ऐसे है कि यहाँ से जब फिर हमें पंप नज़र आया, यहाँ से जब वो बाइकों को जब वो दोबारा पेट्रोल फिल करवाएंगे। गर्म और सर्द इलाकों से जब वो गुजरते हुए अब सूरत हाल ये है कि स्किन जो है ना वो बर्न होना शुरू हो गई है, इस साइड पे और ये वाली साइड पे मेरे कान, ये दोनों चीज़ें जब वो बर्न होना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते जाएँगे जो है ना गर्मी ज़्यादा होती चली जाएगी। दीर जाएँगे, दीर में भी जब गर्मी होगी, चौतराल में भी गर्मी होगी, तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जो है ना किसी सर्द इलाके के अंदर जाके जो है ना स्टे करें। हम लोग पतराग के दूसरे बाजार के अंदर जो मौजूद है, पतराग एक विलेज है जहाँ पर हम लोग जो मौजूद है। तो हमारा दादा यहाँ से जब आगे जाने का था, लेकिन एक मेज़बान जिसने पूरा इसरार किया कि जनाब आप लोगों ने यहाँ से जो है ना हमसे जो ज़रूर होकर जाना। मेरा कज़न जो है इतना मोटा है, इससे जो है वो चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही, तो हाथ पकड़ पकड़ के जो है वो इसको चढ़ाया जा रहा है ऊपर। मज़ेदार व्यू है कि हम लोग नीचे उतर गए हैं पहाड़ी से, यहाँ पे आके जो है वो मैदान था, खुला मैदान था, यहाँ पे बैठ गए हैं और चढ़ाई उठाई है, और अब जो है वो फिर खाना खाते हैं। इमरात वैली से वापसी पे पतराग बाजार 2 के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टे किया है, और यहाँ पर दरिया के किनारे जो है वो खाना खाया जा रहा है। आप तो बना रहे हैं, हम लोगों ने जब कढ़ाई खाई है बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आप चीज़ कुछ आप लग रहे हैं जब खाएंगे यानी तकलीफ खाएंगे। पहाड़ों की कसम है दीर के मेन बाजार में हम लोग जो है वो पहुँच चुके होंगे। ऐसी कुछ ऐसा है कि बड़ा कारपेट रोड था, शूटर ही हम लोग जब आते गए हैं, और इन रोड्स के ऊपर जो है वो बाइक चलाने का भी जो बड़ा मज़ा आया है। इस वक्त दीर से हम लोग जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो आ चुके हुए हैं, कारपेट रोड था ये, और ये बाइक्स हमारी जो है यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है। वहाँ पर जो है वो टनल है, और ये यहाँ पर बड़ा अच्छा व्यू बना हुआ है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल हम लोग जो है वो बाइक्स यहाँ से जो है वो नहीं गुजार सकते। यहाँ पर ये है कि पीछे जो है वो डाला खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो बाइक्स आएँगी और फिर हम लोग भी उसके ऊपर जाएँगे, और फिर जो है ये टनल को जो है वो क्रॉस करेंगे। ये देखें ज़रा, यहाँ से जो फिर पिकअप के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो लोड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग टनल के अंदर जो है वो एंटर हो गए हैं। तो इस वक्त हम लोग लोहारी टनल से जो है वो गुजर के जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा जो है वो हमें महसूस हो रही है, आगे भी जो है वो हमारी गाड़ी गुजर के जो है वो जा रही है,
लाइटिंग लगी हुई है, इन्होंने जो है वो हमें यहाँ से अलाउ नहीं किया था कि यहाँ से हम लोग जो बाइक्स लेके जा सके। अगर हम लोग यहाँ से बाइक्स लेके जाते तो कितना मज़ा आता। ऑलमोस्ट दो टनल जो वो पास करेंगे, पहली आई थिंक 9 किलोमीटर की है और आगे वाली जो है वो 3 किलोमीटर की है। उसके बाद किसी ठंडे इलाके में चल के हम लोग जब स्टे करते हैं, क्योंकि टाइम भी इस वक्त ज़्यादा हो चुका हुआ है, कम से कम 8 बजने वाले आई थिंक। सो जनाब क्या तासुरात है? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये एसी वाली हवा कहाँ से आ रही है? एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी हवा, एसी से भी ठंडी हवा जो वो नेचुरल हवा आ रही है। ये नहीं समझ लग रही आ कहाँ से रही है, क्योंकि ये तो टनल बनी हुई है लेकिन आ रही है कहीं ना कहीं से। तो ड्राइवर हमारा जो है वो बड़ा फास्ट ड्राइवर है, हाँ इसने जो लगता है कोई 80-90 की जो स्पीड रखी हुई है, इससे भी ज़्यादा छुट्टर ही जो है वो जाई जा रहा है। पहला टनल जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, ये बाहर आते साथ ही जो है वो हवा बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो गई है। अब ये सेकंड टनल है जिसमें हम लोग जो है वो एंटर होने लगे हैं। 1.9 किलोमीटर का टनल हम लोग जो है वो करके आ चुके हैं और ये 3 किलोमीटर का टनल है। लो जी यहाँ पर जो है वो टनल इख्तिताम पज़ीर हो गई है। टनल से हम लोग जब निकल के आ गए हैं तो अब बाइकों को जब वो नीचे उतारा जा रहा है, यहाँ से फिर अब हम लोग जब आगे जाएंगे कोई होटल तलाश करेंगे। टाइम इस वक्त जो है वो 9:13 हो चुके हुए हैं और अब हम लोग जो है वो बाइक पे रात का सफ़र भी जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो अब जैसे जैसे हम लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, गर्मी भी हो रही है और रहने के लिए जब जगह ढूंढ रहे हैं और जगह जब मिल कोई नहीं रही। 11 बजे शुरू हुआ था, अभी तक 10 बज चुके हैं और अभी तक हम पीछे अपने सफर के अंदर हैं। पीछे जितने भी रेस्टोरेंट थे 12 लोग, उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग को आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। द्रोश हम लोग जब आ चुके हैं, मेन सिटी यही है, हमारा रहता था कि यहाँ पे जब वो स्टे करते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब वो गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये है कि अब हम अगर चित्राल की तरफ यहाँ से निकलते हैं, द्रोश में हम लोग मौजूद हैं, तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे और रात के टाइम जब वो सफ़र करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली बाइक के ऊपर। तो अब यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर ही किसी न किसी तरीके से कहीं पर हमें जब वो मिल जाए, हम लोग जब वो लें। तो अब सारी जगह पर देख लिए, गेस्ट हाउसेस थे हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अब यहाँ पे एक और होटल के अंदर आए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकल बजट के अंदर जो है वो हमारा हो जाएगा। हमारी कोशिश थी किसी सर्द तरीन इलाके के अंदर रहेंगे लेकिन सर्द तरीन इलाके में कहाँ, यहाँ पर तो पीछे कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं ऐसा। तो ये सिचुएशन हो गई है, कह रहे हैं कि सिर्फ भाई हमें जो है ना आप मैट्रेस दे दो, आप हमें चाहे छत पर सुला दो। सो फाइनली ये गेस्ट हाउस हमें मिल गया, यहाँ पर हम लोगों ने जब वो स्टे किया तो खाने के लिए यहाँ पर मार्केट्स बंद हो चुकी हुई थी लेकिन फिर भी अब बाहर से जो कुछ ना कुछ ले आए। तो ये बाहर चेयर्स लगी हैं, वो रूम्स हमने जो वो लिए हैं। वी आर गेटिंग सो टायर्ड, सो आई थिंक वी हैव टू टेक सम रेस्ट। आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सब क्या रखिएगा।